गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, क्लास 9, सब्जेक्ट मैथ्स, एनसीईआरटी का मैथ्स है और वीडियो नंबर यानी लेक्चर नंबर 51, एक्सरसाइज 2.5, 3 नंबर क्वेश्चन है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्राइट आइडेंटिटीज। यानी फर्स्ट क्वेश्चन है 9x² प्लस 6xy प्लस y², तो इसको दो मेथड से बनाए हैं। फर्स्ट है 3x का स्क्वायर किए प्लस 2 मल्टीपल 3x मल्टीपल y प्लस y का स्क्वायर। यानी हम जानते हैं x² प्लस 2xy प्लस y² इक्वल टू x प्लस y का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। इस तरह x के जगह पर 3x और y के जगह पर y लिखेंगे, यानी 3x प्लस y इंटू 3x प्लस y, यानी 3x प्लस y का एस होल स्क्वायर आ जाएगा इसके आंसर। इसका दूसरा मेथड है 9x² प्लस 6xy प्लस y², यह फर्स्ट एंड थर्ड मेथड से बनाते हैं। तो 9x² 6x² को टू पार्ट में करना है हमको, जो ऐड करने के बाद में हमको मिडिल आना, सेकंड पार्ट आना चाहिए, और मल्टीपल करने के बाद में फर्स्ट एंड थर्ड आना चाहिए। यानी 3x प्लस y प्लस 3xy को प्लस करते हैं तो 3 6xy आ जाएगा, और दोनों को मल्टीपल करते हैं तो 9x² y² आ जाएगा, 3 9 ix² और y². इस तरह 3x इसमें से कॉमन लेंगे तो 3x प्लस y, और प्लस इसमें से y कॉमन लेंगे तो 3x प्लस y। इतना ध्यान रहे कि बीच ब्रैकेट में जो है वह सेम आना चाहिए। इस तरह 3x प्लस y एक ब्रैकेट लेंगे और एक ब्रैकेट के बाहर वाला लेंगे 3x प्लस y। इस तरह इसका आंसर मेरा ये हो गया। अगला क्वेश्चन है 4y² माइनस 4y प्लस y, इसको बनाते हैं तो 4y² माइनस 2y माइनस 2y प्लस 1। यानी फर्स्ट मल्टीपल 3, यानी 4y² मल्टीपल 1 इक्वल टू 4y², यानी इस बीच वाले भाग को हम दो भाग में बांटते हैं 2y या 2y, और बिचला को जब जोड़ेंगे मिडिल पार्ट को तो आना चाहिए इतना। तो 4y² माइनस 2y माइनस 2y और प्लस 1, इसमें से कॉमन ऐसा लेना है जो दोनों में निकल जाए। इस तरह 2y कॉमन लिए तो 2 2 जा 4, y दो गो है तो एगो निकल गया, एक y 2y माइनस 2y निकल गया तो माइनस 1 हो गया। यहाँ माइनस 1 लिए तो यहाँ प्लस 2y हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 1 जा 1। इस तरह ब्रैकेट के बाहर है 2y माइनस 1 और यह ब्रैकेट के भीतर का है 2y माइनस 1। इस तरह 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1 या 2y माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा आंसर। इसका दूसरा मेथड है 2y² माइनस 4y प्लस 1। इस तरह 2y का स्क्वायर करेंगे तो 4y² आ गया, माइनस 2ab यानी a2 मल्टीपल 2y मल्टीपल 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। इस तरह x² माइनस 2x² xy प्लस y² इक्वल टू a माइनस b x माइनस y का होल स्क्वायर की मेथड से, यानी प्रॉपर्टी से a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। इस तरह 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1 या 2y माइनस 1 का स्क्वायर आंसर हम इसका लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है x² माइनस y² बटा 100, यानी x का स्क्वायर करते हैं माइनस y बटा 10 का स्क्वायर करते हैं। इस तरह लेट बी x इक्वल टू x एंड y इक्वल टू y बाय 10, तो a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b, या x² माइनस y² इक्वल टू x प्लस y इंटू x माइनस y। इस प्रॉपर्टी से मेथड से तो x के जगह पर हम लिखेंगे x और y के जगह पर लिखेंगे y बाई 10। इस तरह x प्लस y यानी x प्लस y बाई 10 ब्रैकेट बंद यानी मल्टीपल, x के जगह पर x माइनस है तो माइनस देंगे, y के जगह पर y बाई 10 यानी x प्लस y बाई 10 मल्टीपल x माइनस y बाई 10, यही मेरा आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह
मैथ फोर क्लास नाइन्थ।